गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है द ट्रांजिट सिस्टम, या इसे हम ट्रांजिट नेविगेशनल सिस्टम भी कह सकते हैं। सबसे पहले इसकी हिस्ट्री देखते हैं। ये जो सिस्टम था, ये हमारा पहला सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशनल सिस्टम था, जो कि अर्लियर स्टेजेस में यूएस नेवी ने यूज़ किया था इसे, तो इसलिए इसे हम नेवी नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। ट्रांजिट सिस्टम जो है वो ऑपरेशन में आया 1967 में और जनरलाइज पर्पज़ में यूज़ हुआ, मीन्स अदर देन नेवी, यूएस नेवी, वो 1977 में जनरलाइज पर्पज़ में भी यूज़ होने लगा। आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ जीपीएस, जो कि हमारा 1997 में इंट्रोड्यूस हुआ था, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, उसके एडवांसमेंट की वजह से ये जो सिस्टम था ट्रांजिट सिस्टम, ये डिसकंटिन्यू हो गया। ठीक है, अब चलते हैं इसके इंट्रोडक्शन की तरफ। तो द यूज ऑफ सैटेलाइट फॉर नेविगेशन बिगिंस विद ट्रांजिट सिस्टम, जैसा मैंने पहले बताया था कि सैटेलाइट का यूज नेविगेशन के लिए ट्रांजिट सिस्टम के साथ ही शुरू हुआ था। इस ट्रांजिट सिस्टम में क्या है, जो हमारी अर्थ है, ये मैंने अर्थ दिखाया है यहाँ पर, अर्थ जो है हमारा, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, अर्थ रोटेट करती है, तो रोटेशनल एक्सिस है ये हमारा, इस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। तो जो आइडिया अराइज हुआ था, वो आइडिया क्या अराइज हुआ था कि कुछ ऐसा हो जाए कि हमारा जो एक ही सैटेलाइट है, सिंगल सैटेलाइट के थ्रू हमारा कंप्लीट अर्थ को नेविगेशन प्रोवाइड किया जा सके। तो उसके लिए बेस्ट सुटेबल जो ऑर्बिट था उस समय, तो वो देखा गया है कि अगर हम पोलर ऑर्बिट में सैटेलाइट को लॉन्च कर दें। पोलर ऑर्बिट का मतलब क्या है कि जो सैटेलाइट हमारी पोल्स के थ्रू, मीन्स नॉर्थ पोल और साउथ पोल्स के थ्रू पास होगी, तो उस सैटेलाइट के थ्रू होगा क्या, हमारा जो कंप्लीट अर्थ है उस पर नेविगेशन प्रोवाइड किया जा सकता है। देखिए, अगर ये सैटेलाइट रोटेट कर रही है ऐसे, ठीक है, और अर्थ रोटेट कर रही है इस डायरेक्शन में, तो होगा क्या, अर्थ पर हर एक पॉइंट पर कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए जो सैटेलाइट होगी वो विजिबल होगी। ठीक है, तो जो ऑर्बिट लॉन्च की गई थी, या जिस ऑर्बिट में हमारा सैटेलाइट लॉन्च किया गया था, वो ऑर्बिट थी हमारी लो पोलर ऑर्बिट। उसकी जो एसेंट्रिसिटी थी ई, वो बहुत ही स्मॉल रखी गई थी, जिसकी वजह से ये जो ऑर्बिट था हमारा वो नियरली सर्कुलर था। ठीक है, वैसे जनरली जो पोलर ऑर्बिट होते हैं वो हाईली इलिप्टिकल होते हैं, लेकिन ट्रांजिट सिस्टम में जो ऑर्बिट था वो हमारा नियरली सर्कुलर ऑर्बिट था। ठीक है, इसका जो ऑल्टीट्यूड था वो 600 नॉटिकल माइल, या फिर हम कह सकते हैं 1100 किलोमीटर, मींस इसकी जो हाइट थी वो 1100 किलोमीटर, मींस लो पोलर ऑर्बिट है, इसीलिए इसे लो पोलर ऑर्बिट कह रहे हैं हम। अब जो सैटेलाइट थी उसका मूवमेंट, मींस उसका टाइम पीरियड क्या था, 13.5 ऑर्बिट्स पर डे, मीन्स एक दिन में जो सैटेलाइट है वो 13.5 ऑर्बिट कंप्लीट करती है, इतनी बार रोटेट करेगी। इस हिसाब से जो टाइम पीरियड है, मीन्स एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जो सैटेलाइट को टाइम लगेगा, वो लगेगा 1 आवर 45 मिनट्स। ठीक, जो सैटेलाइट है हमारी, उस सैटेलाइट में दो बहुत ही स्टेबल ट्रांसमीटर यूज़ होते हैं, जो कि 150 मेगाहर्ट्ज और 400 मेगाहर्ट्ज पर सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं। वो सिग्नल हो सकता है एफएमरिस सिग्नल हो। एफएमरिस सिग्नल क्या होता है, अ सेट ऑफ 16 पैरामीटर्स जो कि हमारी सैटेलाइट की ऑर्बिट में जो मूवमेंट है उसे डिफाइन कहते हैं, उसे एफएमरिस डेटा कहते हैं, उसे ट्रांसमिट कर सकते हैं, या फिर डेटा को, मैसेज डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए जो चैनल्स यूज़ होंगे या जो फ्रीक्वेंसी यूज़ हो रही है वो 150 मेगाहर्ट्ज़ एंड 400 मेगाहर्ट्ज़ यूज़ हो रही है। द सैटेलाइट इज़ विजिबल फॉर वेरी शॉर्ट टाइम एट एनी पॉइंट ऑन अर्थ। जैसा मैंने पहले बताया था कि अगर हम एक ही ऑर्बिट ले रहे हैं यहाँ पर और उसमें हमने अपनी सैटेलाइट को लॉन्च किया था, तो ये सैटेलाइट अर्थ पर किसी भी पॉइंट पर, हर एक पॉइंट पर मतलब विजिबल तो होगी, लेकिन उसका जो टाइम होगा वो बहुत शॉर्ट होगा, जबकि हमारा नेविगेशन के लिए जो है वो
जो सेटेलाइट का विजिबल होना है वो ज़्यादा टाइम के लिए विजिबल होनी चाहिए थी सेटेलाइट, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, उसका सोल्यूशन क्या था कि जो पोलर ऑर्बिट्स हैं, जो कि हमने सिंगल ऑर्बिट लिया था, इन पोलर ऑर्बिट्स को बढ़ाना पड़ेगा। तो उसका एक एग्जांपल है कि सेम पोलर ऑर्बिट्स को अगर मैं कुछ पर्टिकुलर सेपरेशन, कह सकते हैं हम कि 36 डिग्री के पोलर सेपरेशन में अगर मैं लॉन्च कर दूं कुछ और सैटेलाइट्स, तो होगा क्या कि 5 ऑर्बिट्स ऐसे बन जाएंगे। अगर मैं इस टाइप के 36 डिग्री के सेपरेशन पर कुछ ऑर्बिट्स और ले लूं, तो मेरे पास टोटल 5 ऑर्बिट्स और आ सकते हैं, और उन 5 ऑर्बिट्स में मैं अपने जो सैटेलाइट्स हैं उन्हें लॉन्च कर दूंगा, तो क्या होगा कि बेटर विजिबिलिटी मिलेगी फॉर नेविगेशन पर्पस, ठीक है। तो ट्रांजिट सिस्टम कंसिस्ट मेनली 6 सैटेलाइट्स अलॉन्ग विद सम स्पेयर्स इन पोलर इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो ट्रांजिट सिस्टम को ऑपरेट कराने के लिए मेनली 6 सैटेलाइट्स ही चाहिए, उसके साथ हो सकता है कुछ स्पेयर सैटेलाइट भी हो सकते हैं, जो कि मेन सैटेलाइट्स के फेल्योर के टाइम पर या किसी और प्रॉब्लम की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो स्पेयर सैटेलाइट इन सर्विसेज को प्रोवाइड करा सकते हैं। अब देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग या प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन कह सकते हैं हम, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग भी कह सकते हैं, कि ट्रांजिट सिस्टम वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डॉपलर शिफ्ट। जो ट्रांजिट सिस्टम है इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो डॉपलर शिफ्ट या डॉपलर नेविगेशन सेटेलाइट भी कह सकते हैं हम इसे। अगर डॉपलर नेविगेशन सेटेलाइट आपको पढ़ना है तो उसका भी वीडियो मैंने बना रखा है, वो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं आप, वहाँ पे पहले देख सकते हैं कि डॉपलर नेविगेशन सैटेलाइट कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। तो ट्रांजिट सिस्टम का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो क्या है कि डॉपलर शिफ्ट ऑफ सिग्नल्स फ्रॉम अ मूविंग सैटेलाइट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द सैटेलाइट्स ऑर्बिट कंपेयर टू द लोकेशन ऑफ ट्रैकिंग स्टेशंस एंड बाय इन्वर्टिंग द प्रोसेस A receiver can locate itself compared to the satellite's known location. अब देखिए इसे समझाने के लिए इस डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पर मैंने एक ये अर्थ कंसीडर कर रखी है, ठीक है। ये ऑर्बिट्स कंसीडर कर रखे हैं, ये पहला ऑर्बिट है जिसमें सेटेलाइट है, ये दूसरा ऑर्बिट है इसमें भी सेटेलाइट को दिखा रखा है मैंने। तो यहाँ होगा क्या कि अर्थ जो है उस अर्थ में हमारे पास कुछ ट्रैकिंग स्टेशंस होंगे, ये ट्रैकिंग स्टेशन क्या करेंगे ऑर्बिट में सैटेलाइट के जो मूवमेंट है उसके थ्रू क्या करेंगे, ये डॉपलर शिफ्ट को मेजर करेंगे। तो सारे ट्रैकिंग सिस्टम जो यहाँ दिखाए इस टाइप के और ट्रैकिंग सिस्टम्स होंगे, ये क्या करेंगे ऑर्बिट में सैटेलाइट मूवमेंट के थ्रू जो डॉपलर शिफ्ट है उसे मेजर करेंगे और उस डेटा को ये ट्रांसमिट कर देंगे कंट्रोल सेंटर को। कंट्रोल सेंटर क्या करेगा इस डेटा को एनालाइज करके जो ऑर्बिट है सैटेलाइट का उस ऑर्बिटल डेटा को तैयार करेगा अलोंग विद द एक्यूरेट टाइम और उस डेटा को ट्रांसमिट कर देगा सैटेलाइट पर। अब होगा क्या, मान लीजिए कोई भी रिसीवर जिसे कि अपनी लोकेशन को फाइंड करना है, जैसे ही सैटेलाइट उस रिसीवर के ऊपर आएगा, ठीक है, तो जैसे ही सैटेलाइट उस रिसीवर के ऊपर आएगा तो जो सैटेलाइट है तो सैटेलाइट क्या करेगी वहाँ से डॉपलर शिफ्ट को रिसीव करेगी या फिर मेज़र करेगी और जो डेटा है हमारा ऑर्बिट का डेटा इस सैटेलाइट की और उसकी टाइमिंग का डेटा, ठीक है, इन दोनों डेटा के थ्रू डॉपलर शिफ्ट को मेज़र करेगी और बाई यूजिंग दिस इंफॉर्मेशंस वो अपनी लोकेशन को फाइंड कर सकती है, ठीक है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल था इसका ऑपरेशन का, वो यहाँ पर बताया मैंने कि पहला जो पार्ट है वो ट्रैकिंग स्टेशंस मेन पार्ट फॉलो करते हैं या मेन रोल फॉलो करते हैं, क्या करते हैं ये मेजर्स द सैटेलाइट डॉपलर शिफ्ट एंड ट्रांसमिट इट टू द कंट्रोल सेंटर, द कंट्रोल सेंटर डिटरमाइंस द सैटेलाइट लोकेशन एंड ऑर्बिट एंड ट्रांसमिट इट टू सैटेलाइट अलॉन्ग विद एक्यूरेट टाइम।
व्हेन द सैटेलाइट पासेस ओवरहेड द रिसीवर इट रिसीव्स द टाइम एंड ऑर्बिटल डेटा फ्रॉम इट एंड मेजर्स इट्स डॉपलर शिफ्ट एंड बाय यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन इट फाइंड्स इट्स लोकेशन। ठीक है, जो हमारा सैटेलाइट का डॉपलर प्रोफाइल है या डॉपलर शिफ्ट कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, मीन्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस पर हम टाइम ले लें, अगर वाई एक्सिस पर रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी ले लें, तो एक यूनिक कर्व हमें मिलेगा जो कि इस हिसाब से आएगा। तो जैसे जैसे सैटेलाइट रिसीवर के अप्रोच के पास आती रहेगी तो क्या होगा, जो फ्रीक्वेंसी है रिसीवर फ्रीक्वेंसी वो रिड्यूस होती चली जाएगी, और जैसे ही ओवरहेड पर आएगी वो सैटेलाइट रिसीवर के, तो सेम फ्रीक्वेंसी रिसीव करेगा, ये जो फ्रीक्वेंसी डॉपलर शिफ्ट जो है वो ज़ीरो हो जाएगी, मीन्स एफटी जो है वो एफआर के इक्वल हो जाएगी यहाँ पर। और फिर जैसे ही दूर जाएगी सैटेलाइट रिसीवर से तो जो डॉपलर शिफ्ट है, जो डॉपलर फ्रीक्वेंसी है वो रिड्यूस होने लगेगी, तो ये ग्राफ आएगा। मीन्स इस पॉइंट पर अगर देखा जाए तो ये जो ग्राफ है इसका ये वाला सेक्शन जो है ये पॉजिटिव डॉपलर शिफ्ट को रिप्रेजेंट करा रहा है या पॉजिटिव डॉपलर फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है, और दिस सेक्शन शोज द नेगेटिव डॉपलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इस पॉइंट पर यहाँ पर देखते हैं कि इस पॉइंट से जो सैटेलाइट है वो अप्रोच कर रही है टूवर्ड्स द रिसीवर, और जैसे जैसे सैटेलाइट रिसीवर से दूर जाती जाएगी तो ये ग्राफ जो है कुछ ऐसा आता जाएगा। ठीक है, तो होप करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर ये टॉपिक पसंद आया आपको और समझ में आया है तो लाइक करिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।